नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। दिवाली करीब है और हर साल की तरह पटाखों को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दी तो कई राज्यों ने ग्रीन पटाखों पर भी बैन लगा दिया। तो क्या सिर्फ दिवाली पर बैन से इस बार देश में प्रदूषण नहीं होगा? और पटाखे इतने ही हानिकारक हैं तो फिर पूरे साल इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? आज जलते हुए कुछ धमाकेदार सवालों के साथ पटाखों पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध तो छठ पर यमुना में पूजा पर रोक। क्या एक दिन छठ पूजा न होने से यमुना मैली होने से बच जाएगी? हालांकि रोक की इस बार वजह कोरोना भी बताई जा रही है। आज हम आपको यमुना के घाट से लेकर दिल्ली के बाजारों की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आज का सत्ता टॉप नाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इटली में पोप फ्रांसिस से ऐतिहासिक मुलाकात की। पीएम मोदी के पोप से करीब एक घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान जलवायु परिवर्तन, गरीबी और दुनिया को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता भी दिया। ईसाई समुदाय का रोमन कैथोलिक चर्च महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, जिसका भारत में भी प्रभाव है। पाकिस्तान में टीटीपी ने नया वीडियो जारी कर पीएम इमरान खान की सत्ता को फिर से चुनौती दी है। वीडियो में ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों की तैयारी दिखाई गई है। टीटीपी ने इस तरह का सातवां वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का धंधा जारी है। आरोपों के मुताबिक सिंध के रहीम यार खान में एक हिंदू लड़के का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम मोहम्मद आमिर रखवा दिया गया। अहम सैदी नाम का मुफ्ती जबरन धर्म परिवर्तन के गोरख धंधे में शामिल बताया जा रहा है। 24 अक्टूबर को हुए भारत पाक मैच में भारत की हार पर पटाखे फोड़ने वाले कश्मीरी युवकों की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। श्रीनगर में पीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी को गलत बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। क्रूज ड्रग्स केस में 28 दिन बाद जब आर्यन खान जेल से छूटकर अपने घर पहुंचे तो मन्नत के बाहर शाहरुख खान के फैंस की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। जेल से शाहरुख खान के बॉडीगार्ड आर्यन को लेकर मन्नत पहुंचे थे। कर्नाटक के धारवाड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और ऊर्जा के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। चुनाव से पहले गोवा में कांग्रेस का आधार मजबूत करने में जुटे राहुल गांधी ने आज वेलसोवा में मछुआरों से मिले और उनसे उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों और बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। न्यूजीलैंड से दुबई में कल होने वाले T20 मैच से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया को आत्मविश्वास से लबरेज बताया और कहा कि हमारे लिए खेल महत्वपूर्ण है और हम अच्छे खेल के लिए तैयार हैं। शमी के ट्रोल होने को विराट ने लोगों का फ्रस्ट्रेशन बताया। रूस ने फाइटर जेट्स और मिसाइल अटैक को हवा में ही तबाह करने के लिए जोरदार अभ्यास किया है। उत्तरी रूस के कपुस्टिन यार रेंज में की गई इस एक्सरसाइज में S-300V4, BUK-M3 और TOR-M2 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने हिस्सा लिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।